हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, दिलीप को देखो, साइकिल चला के चल दिया और हम चल रहे टूर पर। अभी चल दिलीप। गाइस, अभी तो हम गए नहीं है क्योंकि दिलीप का हो रहा था ट्यूशन का टाइम, तो कल तो मैंने टोपा लगा लिया है और सर्दी की भी बहुत सर्दी भी हो रही है, तो मैंने टोपा लगा लिया। तो दिलीप तो जा रहा है ट्यूशन, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं गए। तो हम जा तो रहे थे साइकिल लेकर, इधर उसने बताया, मैंने बताया मेरा टाइम हो गया, तो इसलिए वो स्कूल और तैयार हो रहा है ट्यूशन के लिए। देखिए, वो आराम से तैयार हो रहा है और तैयार होकर वो निकल जाएगा। फिर मैं फिर जब वहाँ से आ जाएगा, मुझे लगता है ये दो ट्यूशन वैसे ही पढ़ के आएगा, दो पढ़ के आएगा ना, ये दो ट्यूशन पढ़ के आएगा। वो लगभग 5 बजे आएगा, 5 बजे फिर देखते हैं क्या। सोच रहा हूँ कहीं और जाऊँगा फिर, कहीं ना कहीं फिर देखते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ने के लिए जाने देते हैं पहले, फिर हम कभी और देखते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, कहाँ जाएंगे। वैसे भी इस टाइम नहीं होता है, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, थोड़ा धूप वूप से निकल जाएगी, जब जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो गाइस, बहुत चला ली लैपटॉप, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप के रख लूँगा और ऊपर चलते हैं, ऊपर सब बैठे होंगे, पापा मम्मी अम्मी सब बैठे होंगे। उसको तो यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि चार्ज भी हो रहा है, चार्ज होता रहेगा। तो गाइस, यहाँ बैठिए, पापा दादी मम्मी फट्टी बना रही हैं। धूप तो है ही नहीं अब। आओ मम्मी नीचे, सर्दी हो रही है, बहुत तेज लगने लगी, काला काला सोने लगा पूरा बादल सा। एक ही तो रहेगी कल कल्ली जो इसे। तो गाइस, तो अभी तो मैं रोड पर निकला हूँ, तो देखिए भाई कितनी तेज़ सर्दी लग रही है ना भाई, बहुत तगड़ी सर्दी लग रही है। बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी यार दोस्त चला रहा है मेरा, तो मैं नहीं चला रहा हूँ फिर भी। तो गाइस, अभी तो हम इन्हें लेने के लिए आए थे, ये ले लिए, तो बस इनको लेकर चल रहे हैं, बाहर ही बहुत है। यहाँ से देवे साइड साइड में, कहाँ चला गया अब, जल्दी से आ जाए यार, सर्दी लग रही है। गाइस, बहुत तेज सर्दी हो रही है यार। गाइस, मैं पहुँच गया घर, क्योंकि भाई बहुत सारी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत रास्ते मुझे टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिलने वाले आ रहे थे, तो इसमें थोड़ा बहुत वहाँ से मिला, तो क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं अभी भी आया हूँ, तो टाइम तो लग गया है, क्योंकि कोई मिल जाए थोड़ा रोकना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए अब आए को भाई बहुत सर्दी लग रही है। तो दिलीप तो वैसे ट्यूशन से आ गया, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। तो गाइस, ये तो आ गया, देखो अभी अभी आया है, पता नहीं कहाँ गया था, रात में भी चैन ना आया, रात में तो यही टाइम ही तो आया, लगता है मैं रात हो गई ना। गाइड 5 बजे वहां से निकल रहा था, ताला खोला था अपना, हां तो 5 बजे कोचिंग पे से, बाद 5:30 बजे से भी, हां थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा रही जब बैठे चलो। ले गाइस, हम यहां पर ताप रहे हैं और यहीं बैठे हैं और यहीं अपना खाना खा रहे हैं। तो आज सब्जी क्या बोलते हैं इसको, कबाई, आलू और सेमी और साग रोटी और साथ में सावधानी खीर। तो आराम से उनको खा के। गाइस, मैं रात को ब्लॉग एंड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि रात को मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने रात को कोई ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड बाय।